सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के नबी करीम इलाके में गत 27 जनवरी की देर रात शादी समारोह में जा रहे एक युवक जतिन उर्फ जूड़ी के हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। वारदात को एक टैटू आर्टिस्ट सौरभ ने अपने भाई अक्षय और रिश्तेदार रजनीकांत के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पकड़े जाने के बाद आरोपी सौरभ ने खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि जतिन के उसकी पत्नी के साथ गहरे संबंध थे, दोनों शादी करना चाहते थे। उसने दोनों को समझाने का प्रयास भी किया मगर वो नहीं माने, जिसके बाद जतिन को रास्ते से हटाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि गत 27 जनवरी की देर रात लेडी हार्डिंग अस्पताल से एक युवक की मौत की सूचना मिली थी। मृतक जतिन के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या की गई थी। नबी करीम थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि वारदात को सौरभ, उसके भाई अक्षय और रिश्तेदार रजनीकांत ने अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सौरभ और इसके रिश्तेदार रजनीकांत को सुल्तानपुरी इलाके से दबोच लिया, मगर अक्षय लगातार फरार था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एसीपी नरेश खनका ने एसएसओ नबी करीम अशोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर शिवकरण, एसआई हर्ष, हेड कांस्टेबल पप्पू लाल, वीरेंद्र, जिले सिंह, ताराचंद, कांस्टेबल विजयंत और सीताराम को शामिल किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने उसकी मां और पत्नी के मोबाइल को टेक्निकल सर्विलेंस पर रखा। गत 30 जनवरी को एक अज्ञात नंबर से उसकी पत्नी के मोबाइल पर कॉल आया। उसकी लोकेशन गुजरात के सूरत में मिली। बात करने पर पता चला कि ट्रेन में यात्रा के दौरान अक्षय ने किसी यात्री का मोबाइल लेकर कॉल की है। इसके बाद उसने वडोदरा में किसी राहगीर के मोबाइल से कॉल की। पुलिस ने माँ और पत्नी को भरोसे में लेकर अक्षय को दिल्ली आने के लिए कहा। जब वो बस में सवार होकर दिल्ली आने लगा, पुलिस ने उसे गुरुग्राम से बीच रास्ते में ही दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक सौरभ अपने भाई अक्षय के साथ कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में टैटू आर्टिस्ट का काम करता है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की जांच कर रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।